को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां बेटी को न्याय दिलाने पहुंची रचना सिंह की पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर अंतर्गत एक गांव की हृदय विदारक घटना, जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई और फिर उसे कानपुर में 8वीं मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी गई। जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ रचना सिंह ने खोला मोर्चा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के वक्त पीड़ित परिवार से गाली गलौज देख भड़की सपा नेत्री और पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। भड़की रचना सिंह ने एक पुलिसकर्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे लाइन हाजिर होना चाहिए, भविष्य के मंत्री हैं हम, नाम नहीं जानते, मेरा नाम रचना सिंह है, आदि आदि। आखिरकार बेटी का शव बिल्हौर के ग्राम पंचायत बरंडा के ग्राम सहजना पहुंचा, जहां कोहराम मचा हुआ है। दुखी परिजनों ने दरिंदों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की मांग की है। कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। गाली वाली देने का मतलब क्या होता है? गाली कौन देगा? आपने पकड़ के ले गए, गाली दोगे तुम? गाली क्यों दी तुमने? गाली क्यों दी? हाँ गाली मत देना, ठीक है? गाली देने का मतलब कौन होता है? मंत्री हो भविष्य का, याद रखना, भविष्य हमारा मंत्री है, गाली का देना हूँ, भविष्य हमारा मंत्री, भविष्य का मंत्री है। अरे यार ये कौन सी बात है यार, गाली देने का मतलब? वीडियो रखो, वीडियो बनेगा, फिर भाई बात है। न्याय तो हम लोग तो जितना था कर ही दिए हैं, टाइट करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे भाई। गाली और दूसरी चीज आपसे बिगाड़ना है, ये लाइन हाजिर होनी चाहिए, ये लाइन आज भविष्य के मंत्री हैं। चलो आओ अपना करवाइए काम, जो करवाना। नाम नहीं जानते अभी, हमारा नाम रचना सिंह है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।